ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। शहरी स्थानीय निकाय एवं गृह मंत्री ने ऑनलाइन वेब पोर्टल वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम किया लॉन्च। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय एवं गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रदेश के नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के विकास कार्यों के प्रबंधन व निरीक्षण हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया। देश में इस प्रकार की प्रणाली शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसके निकायों में किए जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता आएगी तथा भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। निकाय मंत्री ने कहा कि उन्होंने नगर निकायों में विकास कार्यों का आवंटन एवं पूरी प्रक्रिया इस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा विभिन्न स्तरों पर कार्य के लिए प्रशासनिक, आर्थिक एवं तकनीक स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारियों के यूजर आईडी तथा पासवर्ड भी जारी कर दिए गए हैं। इसकी सहायता से किसी भी कार्य के आरंभ होने से लेकर पूरा होने तक का पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा। इसके लिए प्री टेंडरिंग से तथा पोस्ट टेंडरिंग की सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया जाएगा तथा कार्य पुस्तिका भी ऑनलाइन होगी। इसके साथ ही इस प्रणाली से कार्यों के समयबद्ध पूर्ण होने व उनकी गुणवत्ता की भी निगरानी की जा सकेगी तथा कार्य पूर्ण होने में किसी भी प्रकार की देरी की सूचना भी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। आज लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम, सुधारात्मक कदम आज उठाया जा रहा है। आज एक पोर्टल वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी हमारे सारे हरियाणा में सारे कॉरपोरेशनों में, म्यूनिसिपल काउंसिल्स में, म्यूनिसिपल कमेटी में, जितना भी डेवलपमेंट वर्क है वो पेपरलेस होगा, सारा इस पोर्टल पर होगा। एस्टीमेट इस पोर्टल पर बनेंगे, एस्टीमेट की एडमिन अप्रूवल जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी इस पोर्टल पर देगी, उसकी टेक्निकल अप्रूवल इस पोर्टल पर होगी, उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल इस पोर्टल पर होगी, वर्क जो अलाट होगा, जो एमबी है वो भी इस पोर्टल पर भरी जाएगी। सारा काम जो है वो इस पोर्टल के ऊपर होगा। और मैं भी अपने डैशबोर्ड पर सारे हरियाणा की किस कमेटी में कितना काम हो रहा है मैं यहाँ देख सकूँगा। हमारे ECS जो लोकल बॉडीज हैं वो भी अपने टेबल पर सारा काम देख सकेंगे, हमारे डायरेक्टर भी देख सकेंगे, और कमेटियों में भी जो हमारे EO हैं या हमारे CEO हैं वो भी, एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी, ये सारा काम होता हुआ अपने डैशबोर्ड पर इसको देख सकेंगे। सारे हरियाणा में किस स्कीम के तहत कहाँ कहाँ पर कितना काम हुआ इसमें देखा जा सकता है, कौन सा काम किस स्कीम के तहत हो रहा है इसमें देखा जा सकता है। और इस सिस्टम के लॉन्च होने से एक पैसे की भी कोई इसमें गड़बड़ नहीं कर सकता, क्योंकि सारा का सारा काम इसमें होगा। सारे जो लोग हैं उनको हमने यूज़र आईडी दे दिए और हैंस फोर्थ हम आज ऑर्डर जारी कर रहे हैं, आज के बाद कोई कमेटी, काउंसिल, कॉरपोरेशन 10 रुपये का काम भी मैनुअली, यानी बिना पोर्टल के वो नहीं कर पाएंगे। उनको पोर्टल पर ही सब काम चढ़ाकर करना पड़ेगा। ये आज इतना बड़ा काम हम शुरू करने जा रहे हैं।